नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे YouTube चैनल UVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे जितेश्वर ठाकुर की। जितेश्वर ठाकुर एक मैथिली कवि और प्रारंभिक मैथिली और संस्कृत लेखक थे, जिन्हें मैथिली में उनके विश्वकोशीय कार्य वरुण रत्नाकर के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही उनका प्रमुख संस्कृत नाटक 1320 में आया था, जिसमें धृता सामगम, द मीटिंग ऑफ द नेल्स, एक दो कार्य कॉमेडी के भी है। इसके साथ ही जितेश्वर ठाकुर को उनके कामों के लिए कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बीएसआरडीसीएल ने निकाली रिक्तियां। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना ने सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए 6 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा या बीकॉम या संबंधित विषय में सीए की डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 मार्च तक बीएसआरडीसीएल के आधिकारिक वेबसाइट bsrdcl.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। होली के बाद से सभी नगर निगम कर्मी एक बार फिर से उतरेंगे सड़कों पर। नगर निगम कर्मियों ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो सभी कर्मियों ने होली के बाद एक बार फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। सभी नगर निगम कर्मी का ऐसा मानना है कि जब सभी कर्मी पिछली बार सड़कों पर उतरे थे तो सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से हम अपना काम बंद करने वाले हैं। CBSE 700 रुपए में देगी 12वीं की कॉपी और 500 रुपए में 10वीं की कॉपी। CBSE से परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। CBSE ने परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए वेरिफिकेशन और रिवैल्युएशन के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के अनुसार मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपए प्रति विषय रखी गई है, जिसके तहत आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए 12वीं में 700 प्रति विषय और 10वीं क्लास के लिए 500 प्रति विषय की फीस रखी गई है। सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का दिया आश्वासन। समान काम समान वेतन की मांग लिए सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षकों को काम पर वापस भेजने के लिए बिहार सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, साथ ही साथ उन्हें उनके लायक वेतन में भी बढ़ोतरी करेगी। बस सभी शिक्षक अपनी मांग को छोड़कर काम पर वापस लौट जाएं। पटना हाई कोर्ट की 9 से 13 मार्च तक होगी छुट्टी। होली को लेकर बिहार के सभी सरकारी संस्थान के कामकाज लगभग बंद ही रहेंगे। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट ने भी होली के समय में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब हाई कोर्ट के सभी काम 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बाधित रहेंगे। जज से लेकर सभी वकील इस दौरान छुट्टी पर ही रहेंगे। वहीं हाई कोर्ट 16 मार्च से पहले की भांति खुल जाएगा। दरोगा अभ्यर्थी के समर्थन में आए जीतन राम मांझी। इस चुनावी साल में सभी पार्टियां जनता का मन भापने की कोशिश में लगी हुई है। सभी विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब विपक्षी दलों ने नियोजित शिक्षक और दरोगा अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जीतन राम मांझी ने आगे आकर कहा है कि उनसे जो बन पाएगा वो करेंगे, सरकार को दरोगा अभ्यर्थियों की बात सुननी ही होगी। जननायक करपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का आज होगा उद्घाटन। मधेपुरा जिले में हाल ही में बना जननायक करपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा करवाया जाएगा। मिथिला के लाखों लोगों को इस अस्पताल का ना जाने कब से इंतजार था, अब बस वो पूरा होने जा रहा है। वहीं 25 एकड़ में फैले इस मेडिकल कॉलेज परिसर के भीतर विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसमें 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की सारी तैयारियां भी कर ली गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर जल्द ही होने जा रहा है क्रिकेट का आयोजन। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह को उनके दुनिया में रहने के दौरान उनके कामों के लिए तो उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, मगर उनके जाने के बाद उन्हें हर जगह से कई सारे सम्मान देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में अब बिहार में उनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 24 मार्च को पटना के ऊर्जा स्टेडियम में RS ट्रस्ट के अंतर्गत इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाएगा। यस बैंक से अब एक महीने में 50,000 की ही हो सकेगी निकासी। अगर आपका भी यस बैंक में खाता है तो यह खबर आपके लिए कुछ खास है। खबरों की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक का यह फैसला यस बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब एक महीने के सभी अकाउंट धारक मात्र 50,000 की ही निकासी कर पाएंगे, जिससे आम नागरिकों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बिहार के लगभग 60,000 ग्राहक इससे प्रभावित हुए हैं।
नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ के मुद्दे पर घिरे शिक्षा मंत्री। बिहार विधानसभा के पिछले दिन के सत्र में एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसके तहत विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों के लिए भविष्य निधि योजना यानी कि ईपीएफ का लाभ दिए जाने का मुद्दा उठाया गया, जिसके तहत विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार केवल ईपीएफ देने आनाकानी कर रही है, जिस पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने इस मुद्दे पर काम करने का आश्वासन दिया। शिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। महेंद्रनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव ने महेंद्र गांव में खूबसूरत मंदिर को बनवाया और इसका नाम महेंद्रनाथ रखा था। परिसर में 300 मीटर की दूरी पर भगवान विश्वकर्मा का एक मंदिर है। महाशिवरात्रि पर यहां लाखों भक्त आते हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की एक विशेष विवाह समारोह आयोजित होती है। इस दौरान शिव बारात मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इंग्लैंड के मुरीद हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के डीजीपी बीते दिन 3 दिवसीय दौरे पर लंदन गए थे, जहां वो सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग 2020 के कार्यक्रम का हिस्सा बनने गए थे। वहीं अपने यात्रा के बाद उन्होंने इंग्लैंड की जमकर सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यहां के लोगों को प्रशासन की इज्जत है। देश भले ही छोटा है, मगर नियमों और पुलिस कर्मियों की काफी ज्यादा इज्जत है। यहां के हर नागरिक में देशभक्ति भरपूर देखने को मिल जाती है। राजद विधायक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है चिंता। राजद विधायक समीर सेठ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता सताने लगी है, इसीलिए तो वो उनके लिए मास्क लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोतिहारी और गया में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर हम कोरोना बिहार में आए उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मास्क गिफ्ट करना चाहते हैं। यह मास्क उन्हें कोरोना जैसी चीजों से बचा के रखेगा। हालांकि इस मौके पर उन्होंने सरकार पर भी खूब टिप्पणी की। पटना से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो ने शुरू की विमान सेवा। पटना से चंडीगढ़ सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। इंडिगो ने अब पटना से चंडीगढ़ सफर करने वालों को ध्यान में रखते हुए नए विमान सेवा की शुरुआत की है, जिससे कि अब चंडीगढ़ जाने में यात्रियों का 3 घंटे का समय बचेगा। याद हो, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6148 की शुरुआत की गई है। इससे पहले चंडीगढ़ तक डायरेक्ट विमान की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को पहले पटना से दिल्ली जाना पड़ता था, फिर वहां से उन्हें चंडीगढ़ की फ्लाइट लेनी होती थी। तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति लागू करने का दिया आश्वासन। इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी तरफ करने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राजद ने अब अपना डोमिसाइल नीति का पासा फेंका है, जिसके तहत समस्तीपुर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस बार बिहार में राजद की सरकार आती है तो बिहार में डोमिसाइल नीति को जरूर लागू करवाएंगे। बिहार को शक्ति सिंह ने दिलाया कांस्य पदक। पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट में दूसरे दिन 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं मेजबान बिहार के लिए भी पहला पदक शक्ति सिंह ने भी कांस्य पदक के रूप में दिलवाया है। 109 किलोग्राम से ऊपर भार वर्ग में बिहार के शक्ति सिंह ने 207 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए निकले तेज प्रताप यादव। कोरोना का असर धीरे धीरे भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच कोरोना के लक्षण को देखते हुए राजद नेता तेज प्रताप यादव अब छोटे और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने आवास के सामने रहने वाले लोगों को मास्क बांटकर की है। इतना ही नहीं, छोटे घरों में जाकर तेज प्रताप यादव ने लोगों को कोरोना से बचने के तरीके भी बताए हैं। कुमकुम राय को राजद का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर नीरज ने मांगा जवाब। बीते दिन राजद के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया था, जिसमें कुमकुम राय का नाम राष्ट्रीय सचिव पद के लिए लिया गया था। हालांकि कुमकुम राय अब राजद का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह जदयू में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब जदयू नेता नीरज कुमार ने राजद से स्पष्टीकरण की मांग की है। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,150 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 49,050 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 75.76 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 68.35 रुपए प्रति लीटर था।
सौरभ गांगुली ने जडेजा को नहीं दी रणजी के फाइनल में खेलने की अनुमति। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को रणजी के फाइनल मैच में खेलने की अनुमति नहीं दी है। खबरों की माने तो बीसीसीआई ने कंट्री फर्स्ट पॉलिसी के तहत रविंद्र जडेजा को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में उतरने की इजाजत नहीं दी है। इस बारे में सौरभ गांगुली का मानना है कि देश पहले न कि घरेलू क्रिकेट, यही कारण है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की मांग को बीसीसीआई ने किनारा करते हुए यह फैसला सुना दिया है। कॉल करे क्या गाने के पीछे की वजह का खुलासा किया अक्षरा सिंह ने। भोजपुरी दुनिया की मशहूर गायक अक्षरा सिंह का एक नया गाना लॉन्च किया गया था जो कि शेयर होने के साथ ही काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा, जिसके पीछे के राज का खुलासा करते हुए पटना के बोरिंग रोड पहुंची अक्षरा सिंह ने कहा कि गाना कॉल करे क्या मेरे दोस्तों के साथ गॉसिप का नतीजा है। तब हम लोग आपस में एक दोस्त को कह रहे थे कि कॉल करे क्या, यहीं से यह कॉन्सेप्ट आया जो हम अक्सर अनजाने में रोज की जिंदगी में करते हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी नियोजित शिक्षकों को सड़कों पर से उठने का दिया आदेश। वर्तमान समय में नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर बीते कई दिनों से सड़कों पर बने हुए हैं। जहां शिक्षक अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, वहीं सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। इसी बीच अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि जब तक शिक्षक सड़कों पर नहीं उठेंगे तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। मेरी यही सलाह है कि सभी शिक्षक राजनीति छोड़कर बात करने की पहल करें। करीना कपूर खान की हुई इंस्टाग्राम पर एंट्री। सोशल मीडिया से दूर दूर चल रही करीना कपूर खान ने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम बना लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम से दी है। इतना ही नहीं, इंस्टा पर करीना के आते ही लगभग उन्हें 6,86,000 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही करीना ने अपनी एक नई तस्वीर को भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स आउटफिट पहना हुआ है। करीना के अकाउंट में एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने डीपी में अपने बचपन की तस्वीर लगाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, सैयद हुसैन, नीरज कुमार, संदीप कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद मुख्तार, बिरजू कुमार, अफजल जमाल, पिंटू कुमार सिन्हा, विवेक कुमार, संतोष कुमार, विपुल तिवारी, सुभाष कुमार, संजय जायसवाल, शैलेश कुमार, अमित कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए की गई व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।